अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व के किसानगढ़ रेंज में वन्य जीवों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यहां का जंगल माफियाओं के निशाने पर है। इस क्षेत्र के रायपुरा मतेपुरा वीड में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई कर वन माफिया जंगल को मैदान करने में जुटे हुए हैं। इस अवैध कटाई से यहां मौजूद वन जीवों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। हम आपको बता दें कि किसानगढ़ रायचौर मार्ग पर सड़क किनारे ही बफर जोन के जंगल की बेतहाशा अवैध कटाई कर सैकड़ों पेड़ काट दिए गए हैं। इस जंगल में काटे गए हरे भरे पेड़ों की ढूंढते जंगल विनाश की कहानी स्वयं बयां कर रही है। जिस तरह वन माफियाओं द्वारा सड़क किनारे पेड़ों की अवैध कटाई की गई है, ठीक उसके पास ही वन विभाग नगदा और मतीपुरा पर चेक पोस्ट बनी हुई है और जिम्मेदार वन कर्मियों की नजर इस अवैध कटाई पर नहीं आ रही है। यह तो रोड किनारे का हाल है, जंगल के अंदर क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा स्वयं लगाया जा सकता है। इस अवैध कटाई मामले के सामने आने के बाद किसानगढ़ वन परिक्षेत्र के रेंजर अरविंद केन का कहना है कि अवैध कटाई के विरुद्ध एक आदतन अपराधी पर प्रकरण दर्ज किया गया है, साथ ही कुछ चरवाहों ने भी कटाई की है जिसकी जांच की जा रही है। हमारे रायपुरा वीट में कुछ बरेदियों के द्वारा और एक अपराधी है यहाँ पे आदतन अपराधी किप्पू कोरी, उसके द्वारा कुछ दिनों पहले अतिक्रमण के उद्देश्य से कुछ जंगल में कुछ सतकटा लकड़ी की अंडर 20 पेड़ों की सफाई की गई थी। उसमें किप्पू कोरी के विरुद्ध हमारा प्रकरण क्रमांक 94/25 जारी किया गया है, जो जिसमें उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धारा 1927 की धारा 33 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दो अन्य प्रकरण भी कायम किए गए हैं, 104/20 और 104/21। इसमें जांच करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनका कोर्ट चालान किया जाएगा।